वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आज बनाने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैं आज एक पेंसिल स्केच बनाने वाली हूँ जिसमें मैं क्या क्या टूल्स यूज़ करूँगी, क्या क्या मटेरियल यूज़ करूँगी, लास्ट तक देखना, सब कुछ मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पेपर ले लेना, आपके पास जो भी पेपर है वो ले लेना। मेरे पास नील गंगा का आर्टिस्ट पेपर है तो वो मैं ले रही हूँ। फिर मैंने ग्रिड ऐप के यूज़ करके फिर मैंने लाइन खींच लिया। अभी मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 करके। मैंने आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने आउटलाइन बनाने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास HB पेंसिल हो या 2B पेंसिल हो तो कोई भी पेंसिल से आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद शेडिंग करना शुरू कर दूंगी। शेडिंग करने के लिए एक स्टैम्प पेपर और चारकोल पेंसिल को अच्छे से मैंने स्टैम्प पेपर के ऊपर शार्प कर लिया। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग स्टैम्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आपको भी डार्क एरिया को करना है। स्किन में जो फर्स्ट लेयर मैंने HB पेंसिल से शेडिंग कर लिया, फिर उसके ऊपर मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया अच्छे से। फिर सेकंड लेयर जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा 6B पेंसिल का यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और हेयर में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, चारकोल पेंसिल का यूज़ करके फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया जिससे कि रियलिस्टिक फील आ जाए। ड्रेस में जितने भी डिटेलिंग है वो मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। रेफरेंस फोटो से मुझे जितना भी समझ में आ रहा है उतना ही मैं ऐड कर रही हूँ और बाकी तो मैं खुद से भी कुछ ना कुछ ऐड करती जा रही हूँ डिटेलिंग। ड्रेस का डिटेलिंग हो जाने के बाद फिर मैं तोता का शेडिंग स्टार्ट कर दिया। अभी तोता कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी साइड के एरिया है वो मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैं नीचे के जो ड्रेस का एरिया है वो मैं अच्छे से कर लिया, फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। अभी ब्लेंड करने के लिए एक मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगी। यही मैं ज़्यादातर जो भी छोटे छोटे एरिया है उसमें मैं ब्लेंड करती हूँ। और मैंने चारकोल पाउडर ले लिया, जितने भी एरिया है वो मैं चारकोल पाउडर की हेल्प से कर लूँगी। पूरा पोर्ट्रेट शेडिंग हो जाने के बाद कैसा लगा है आप जरूर कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हो तो वो पहले मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।